नमस्कार दोस्तों, आज के डू में हम आपको देंगे कक्ष 12वीं व्यवसाय अध्ययन का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है, प्रबंध का पहला कार्य है। तो कौन सा कार्य होता है प्रबंध का, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला नियोजन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपका ब वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, लाभांश। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा द वाला मस्तिष्क इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प दिया है, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा ब वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प दिया है, निर्देश प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला शीर्ष स्तर से इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प दिया है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर आ वाला ऋण पत्र। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला खालिस्तान दिया है, खालिस्तान बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, पहले में आपको लगाना है यहाँ पर प्राथमिक। क्या लगाना है, पहले में आपको प्राथमिक आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को खालतन कहते। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, दूसरे खालतन में आपको लिखना होगा परिसर भर्ती। क्या लिखना है, दूसरे में आपको परिसर भर्ती आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा खालतन दिया है, योजना खालतन होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर अच्छी। क्या लिखना है आपको, अच्छी, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं सरल। ठीक है, इसमें आप सरल भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा खालतन दिया है, चालू संपत्तियों का योग खालतन पूंजी कहलाती है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे खालतन में आपको लिखना होगा यहाँ पर कार्यशील। क्या लिखना है आपको, कार्यशील आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पाँचवा खालतन दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता खालतन है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा पाँचवें में FW, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, FW टेलर आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा पांचवे का आंसर। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा खालतन दिया है, द्वितीयक बाजार को खालतन कहते। तो क्या कहते, इसका आंसर आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, पुनः विनियोग। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पुनः विनियोग आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा सातवां खालतन दिया हुआ है, राज्य आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण खालतन फोरम पर रहता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, सातवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर जिला। क्या लिखना है आपको, जिला आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपके परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस सही जोड़ी के मिलान आपको स्वयं कर लेना है। ठीक है, इस सही जोड़ी का मिलान आप स्वयं कर लीजिएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य और असत्य पूछे जाने वाले है। जैसे कि हमारा पहला यहाँ पर दिया है, चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है, तो बिल्कुल हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा।
इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा अध्याय विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा चौथा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा अध्याय ग्राहक व्यवसाय की आत्मा है, तो बिल्कुल है ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा अध्याय बढ़ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल है हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पांच दिया है, क्वेश्चन पांच में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि हमारा पहला दिया हुआ है। ठीक है, पहले में क्या पूछा है, उत्पादन के बाद क्या शुरू होता है, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा उत्पादन के बाद यहाँ पर हमारी शुरू होती है नियुक्ति। क्या लिखना आपको इसमें, पहले में आपको नियुक्ति लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा इसमें आपको लिखना होगा समता अंश। क्या लिखना है इसमें आपको, दूसरे में आपको लिखना होगा समता अंश, अच्छे से लिख लीजिएगा समता अंश आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा का दिया है स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको क्या लिखना है। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला दिया था, क्या दिया था, उत्पादन के बाद क्या शुरू होता है, इसका आंसर आपको स्वयं लगा लेना है। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर नियुक्ति। क्या लिखना है इसमें आपको, दूसरे में आपको लिखना नियुक्ति लिखना है। और आपका तीसरा दिया है स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो तीसरे में आपको लिखना था यहाँ पर समता अंश। क्या लिखना है तीसरे में आपको, समता अंश आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर चौथा आपका दिया है अंगरूलता कौन सा संप्रेषण है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा इसमें आपको लिखना अनौपचारिक। क्या लिखना है इसमें आपको, चौथे में आपको लिखना होगा अनौपचारिक, लिख लीजिएगा अच्छे से अनौपचारिक आपको इसमें लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा पांचवें में आपको लिखना 1991 आपको पांचवें का आंसर लगाना है। इसके साथ ही यहाँ पर छठा आपका दिया है किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं, तो छठे का आंसर आप लगा लीजिएगा, छठी में आपको लिखना है अनौपचारिक संगठन। क्या लिखना है इसमें आपको, अनौपचारिक संगठन आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा अनौपचारिक संगठन आपको यहाँ पर छठे का आंसर लगाना है। ठीक है, इसके साथ आपका सातवां दिया है नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर अच्छे से सुन लीजिएगा नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए आधार प्रदान करना। क्या लिखना है इसमें आपको, नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए आधार प्रदान करना, यह हमारा नियोजन का प्रमुख कार्य होता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं छठा क्वेश्चन दिया है प्रबंध से क्या आशय है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसके साथ ही आपको जस्ट नीचे यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया हमारा नियोजन से क्या आशय, और आठवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जन संपर्क से क्या आशय। इसके साथ ही यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया है उपभोक्ता फोरम के विभिन्न स्तर के नाम लिखिए या दीजिए, और 10वां क्वेश्चन आपका दिया है नव प्रवर्तन से क्या आशय। इसके साथ ही यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया हमारा प्रबंध एवं संगठन में आपको कोई 2 अंतर बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है व्यावसायिक पर्यावरण को प्रवेश कीजिएगा, और यहाँ पर मैं 13वां क्वेश्चन दिया है लेबलिंग से क्या से, और 14वां क्वेश्चन आपका दिया है इको मार्क स्कीम क्या है, और 15वां क्वेश्चन आपका दिया है उपभोक्ता के 2 अधिकारों को समझाइए। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका दिया नियंत्रण की सीमाएं लिखे, और 17वां क्वेश्चन आपका दिया है मुद्रा बाजार के महत्व को समझाइए, 18वां क्वेश्चन आपका दिया है अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का उल्लेख आपको करना होगा, और 19 क्वेश्चन आपका दिया है वित्तीय नियोजन की आपको 4 विशेषता बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका दिया है नियम तथा नीतियों के अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, और 21 क्वेश्चन आपका दिया है विपणन के कार्यों को आपको समझाना होगा, और 22 क्वेश्चन आपका दिया है प्रशिक्षण एवं विकास में आपको अंतर बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन दिया है फिलोल तथा टेलर के प्रबंध सिद्धांतों में असमानता
कौन कौन सी पाई जाती है ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा बारहवीं का व्यवसाय अध्ययन, जो हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस स्टडी का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।